नमस्कार, मैं अंबी वर्मा और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो चलिए आज की कुछ खास खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने एससी समुदाय के हितों की हमेशा रक्षा की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा, मोदी सरकार में वरीयता में रहे हमारे एससी भाई बहन आज खुलकर भाजपा के पक्ष में आ गए हैं। कांग्रेस ने सदैव उन्हें छलने का काम किया है और मात्र वोट बैंक के रूप में देखा है। हमीरपुर समेत संपूर्ण हिमाचल में प्रतिदिन सैकड़ों एससी परिवारों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना ये बताता है कि कांग्रेस की भय और भ्रम की राजनीति बुरी तरह से पिट चुकी है और अब लोग उनके झूठे वादों के झांसे में नहीं आने वाले हैं। सोमवार को बिलासपुर में अनुराग ठाकुर के समक्ष अनुसूचित जाति के 140 परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर सदर और श्री नैना देवी विधानसभाओं में जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ हमारे एससी एसटी भाई बहनों को मिला है।